समाधिस्तस्य केशवा स्थितधि किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह से बैठता और चलता है? किसकी बात हो रही है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, या जिसकी जो समाधि में स्थित है, जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित में लिप्त है, उसकी बात हो रही है। यानी कि जो भक्ति में एडवांस कर रहा है, या जो थर्मामीटर से मतलब क्या होता है, जिससे बुखार मापते हैं, है ना? और अगर कोई एथलीट हो, तो उसकी चाल ढाल कैसी होगी, उसकी बॉडी कैसी होगी? वो मोटा तो नहीं होगा, थुलथला नहीं होगा, एक लीन बॉडी होगी, पतला। और अगर डॉक्टर होगा तो उसकी अलग भाषा होगी। कोई लॉयर है तो वो हर चीज़ को अगर डॉक्यूमेंट करके दो, है ना, लीगल टर्म्स में बात करेगा, हर चीज़ रिटर्न में करेगा बात। जैसे डॉक्टरों की जो वो लिखते हैं, ऐसी लिखाई लिखते हैं किसी को पढ़ी नहीं आती। केमिस्ट पढ़ सकता है, वही पढ़ सकता है, हाँ, समझ नहीं आएगी तो केमिस्ट भी आइडिया लगाते हैं कि पहले पूछ लेते हैं कि कौन सी बीमारी, फिर कहते हैं अच्छा ये लिखा होगा। तो हर व्यक्ति के ना एक कुछ लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति जिस चीज़ में जी रहा है, जिस चीज़ को आप जी रहे हो ना, जिस लाइफ में आप जी रहे हो, जो जिसमें आप रचे हो, बसे हो, जैसे आजकल वो क्या होता है, फूड व्लॉगर्स चल रहे हैं, फूड या फूडी लोग होते हैं, बहुत खाना, हर जगह उनको खाना ही दिखता है हमेशा। कोई भी बात कर लो, खाने की बात ले आएंगे, हर चीज़ को खाने से कंपेयर कर देंगे, होता है ना? या मन में थॉट्स भी वैसे ही चलते हैं खाने के, अब क्या खाएं, अब क्या खाएं। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान आप कह रहे हो कि भक्ति करूं, समाधि में स्थित रहूं, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि भगवान ने कहा था कि जो ऐसा व्यक्ति उससे तुम ज्ञान ले लो। पहचानूं कैसे? तभी वैसा बनूंगा। और अगर मैंने वैसा बनना है तो मुझे भी तो पता होना चाहिए मैं बन रहा हूं, नहीं बन रहा हूं। तो फिर भगवान जो हैं, ये जो क्या इसमें कह रहे हैं कि कैसी भाषा, कैसा बोलता है वो, क्या लक्षण, कैसे बोलता है, यानी जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो कैसे बोलता है, बोलने का मतलब क्या है? मीठा बोलता है वो, एक सॉफ्ट स्पोकन हो जाएगा, कोयल जैसी आवाज़ हो जाएगी उसकी, ऐसी बात कर ऐसा बोल रहे हैं क्या? भगवान क्या सिम्टम बताएंगे, या अर्जुन क्या पूछना चाहता है कि उसकी आवाज़ कैसी हो जाएगी, ये लहजा कैसा हो जाएगा? आपको लगता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन होगा ही अर्जुन का, और कह रहे हैं कि उसकी भाषा क्या है, बोलता कैसे, उसकी भाषा क्या है, किस तरह से बैठता है, बैठने का मतलब क्या है? तो जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठेंगे, मतलब क्या पूछ रहे हैं कि चौकड़ी मार के बैठता है या टांगे लटका के बैठता है, सिमट के बैठता है या चौड़ा होकर बैठता है, ये पूछ रहे हैं, या चलता कैसे है? जैसे राम भगवान का रामायण में आता है गजगतिम, राम भगवान गजगति की तरह चलते थे, तो क्योंकि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वैसे चलता है गजगति की तरह, यही पूछा ना। किम प्रभाषित, क्या भाषा क्या है उसकी, किम आसीत, आसीत होता है बैठना, व्रजेत किम, चलता कैसे, क्या कहते हो, हाँ क्या मतलब है यहाँ पे? तो ठीक है, जब अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है कि उसकी भाषा क्या है, वो बोलता कैसे है, यानी उसकी भाषा के बंगाली या संस्कृत हो जाएगी, या वो साइलेंट हो जाएगा, तो कैसी भाषा है उसकी, बोलता कैसे, ऊंचा बोलता है या धीमी आवाज में बात करता है, फटाफट बोलता है या कम बोलता है, ये पूछा जा रहा है।
बैठता कैसे चलता कैसे। नहीं आप लोगों ने पढ़ा है ना गीता, ये तो सेकंड चैप्टर 54 श्लोक है। तो इसका उत्तर भगवान एक श्लोक में नहीं दे रहे, बहुत सारे श्लोकों में दे रहे हैं, पूरा चैप्टर जो है इन लक्षणों पर जो है लक्षणों के बारे में बता रहे हैं कि वो बैठता कैसे है, चलता कैसे है, बोलता कैसे है, भाषा कैसे। कोई गैस? हाँ हम भक्ति से रिलेटेड, भाषा मतलब जैसे छोटा बच्चा है, कुछ भी हो चाहे पानी चाहिए चाहे गर्मी लग रही है, एक ही भाषा है इसकी, रोएगा। ऐसे स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है। एनी गेस? कोई सीनियर डिवोटी? नो। कृष्ण के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। और हाँ क्या? सत्यम प्रियम हितम वाक्य, ठीक है, कह सकते हैं। हमेशा प्रभु के रस में लीन रहेगा, शास्त्रों की बात करेगा, ठीक है। व्यवहार कैसा होगा, ये एक उत्तर है, चार क्वेश्चन में से ये एक है। जब हम लोग बात करें प्रभाषेत, भाषा क्या है, तो वहाँ उसके बात हो रही है स्वभाव की। जैसे हम कहते हैं ना किसी की भाषा क्या है, कितनी गंदी भाषा बोलते हैं, जैसे ये रिक्शा वाले, रेडी वाले, यू नो, ये गाली गलौज, ये ड्राइवर्स होते हैं जो गाली गलौज दे के बात करते हैं ना, उनका ऐसा इरिटेटिंग स्वभाव होता है जनरली, इन जनरल, सभी नहीं बट इन जनरल। तो ये ऐसी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, उनका जो स्वभाव है ना, उनकी भाषा में, बोलचाल में रिफ्लेक्ट होता है। ये जनरल सिम्टम बता पूछ रहा है अर्जुन के, कि उसका ओवरऑल स्वभाव कैसा है। फिर कह रहे हैं कि उसकी बोली कैसी है, बोलता कैसे है वो। बोलने का मतलब क्या होता है, चलो आप बोलते हो, तो जब बोलते हैं हम लोग तो किसी चीज़ को रिस्पोंड करते हैं। आपको कुछ चाहिए, आप कुछ बोलोगे। कोई आपको गाली दे रहा है तो आप रिस्पोंड करोगे, कोई प्रेम से बात कर रहा है तो आप रिस्पोंड करोगे, तो वो है बोली। तो यहाँ अर्जुन पूछ रहा है कि जब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को कोई मान सम्मान देता है या कोई गाली गलौज करता है, तब वो उसका रिस्पॉन्स कैसे देता है। ये अभी आगे के श्लोकों में है, अभी तो हम प्रश्न कर, अर्जुन का जो प्रश्न है वो देख रहे हैं कि क्या प्रश्न पूछा है अर्जुन ने। और फिर उसके बाद क्या, बैठता कैसे, बैठने का मतलब क्या है, अब थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, और बैठने का मतलब क्या है। दो प्रश्न तो समझ आ गए ना चार में से, एक स्वभाव क्या है उसका, दूसरा जब उस पर उसको मान सम्मान मिलता है या सुख मिलता है दुख मिलता है, तब वो उसको लेता कैसे, उसका रिस्पोंड कैसे करता है, रिस्पोंड कैसे, उसका मतलब रिएक्ट कैसे करता है, प्रतिक्रिया कैसे देता है, उसकी खुश होता है, दुखी होता है या कुछ नहीं होता उसको। तीसरा है आसीत, बैठता कैसे, मतलब ये है कि जब उस व्यक्ति, यस बताओ, हाँ अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करता है। आसीत मतलब होता है बिठाना, यानी अपनी इंद्रियों को बिठाता कैसे है या कब बिठाता है। जैसे कछुए का एग्जांपल दिया जाता है, कुर्म का, जैसे कोई खतरा महसूस होता है वो समेट लेता है, ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कब समेटता है अपनी इंद्रियों को, बैठने का मतलब ये है, और कब उनको उपयोग में लाता है। व्रजेत किम, व्रजेत मतलब होता है चलाना, और इंद्रियों को चलाता कैसे और कब चलाता है। चार प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे, और ये प्रश्न जो हैं ये प्रश्न हमारे होने चाहिए।
कि अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित में हैं, या हम लोग जो प्रगति कर रहे हैं, तो उस समय हम लोगों का जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए, स्वभाव क्या होना चाहिए हमारा, या वो स्वभाव के जो लक्षण है वो कौन से आने चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हम प्रगति कर रहे हैं भक्ति में, या हमारे अंदर भक्ति आ रही है, या भगवान हमसे प्रसन्न है और नाम जो है, नाम की जो शक्ति है वो हमारे हृदय में प्रकट हो रही है। कैसे पता लगेगा कि आपका नाम अच्छा हो रहा है, माला कर रहे हो ना, कैसे पता लगेगा कि आपकी अच्छी चैंटिंग हो रही है, अच्छी भक्ति कर रहे हो। जैसे किसी को बुखार हो, थर्मामीटर लगाते हैं, पता लगता है 99 है, 100 है, 102 है, तो वैसे ही भगवान यहाँ पर ये इसका उत्तर दे रहे हैं कि अगर कोई भक्ति करेगा तो होगा क्या उसके साथ, अर्जुन ने पूछा। तो इससे आप लोग अपनी भक्ति चेक कर सकते हो। हाँ, ये तुम आगे देखेंगे भगवान क्या कहते हैं। अब हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग कि नहीं होगा ऐसा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम लोग देखेंगे कि शास्त्रों में भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं इसका। अपनी मर्जी से हम कुछ भी जोड़ लें, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, हमें जो टेक लेनी है वो भगवान से लेना है कि भगवान क्या सिम्टम दे रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं उसका। ठीक है, ये 2.54 श्लोक है। अब 55 में भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान वाच, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। एक चीज़ इसमें नेगेटिव बता रहे हैं और एक पॉजिटिव बता रहे हैं, दो चीज़ें बता रहे हैं। ये जनरल स्वभाव की बात हो रही है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो समाधि में स्थित है, या कृष्ण भावना भावित में प्रगति कर चुका है, एडवांस लेवल पे है, कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त उच्यते, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। ये जनरल सिम्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर भगवान। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस तरह से कह रहे हैं, यहाँ भगवान जो हैं साधारण जो लक्षण है, जो उसकी चरित्र है या उसका स्वभाव है, उसका वर्णन हो रहा है कि वो लाइफ को जीता कैसे है। सबसे पहले कह रहे हैं कि जो उसके मन से जो उत्पन्न होने वाली इच्छाएं हैं उसको ख़त्म कर देता है। अब आप कहोगे मन में जो इच्छाएं हैं इतनी सारी, वो ख़त्म कर देगा, तो हमारे अंदर तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। श्रील प्रभुपाद के बहुत सारी डिज़ायर्स थी, मतलब किस कौन को बड़ा करना है, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करनी है, और मतलब कि डिवोटिस को, जैसे इवन प्रहलाद महाराज की भी इच्छा थी, प्रहलाद महाराज भी इच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्त, तो ये जो मुक्त जीव हैं इनकी इच्छा नहीं ख़त्म हो रही, हमारी इच्छा कैसे ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ जब भगवान बात कर रहे हैं इच्छा की, तो एक विशेषण लगा रहे हैं, एडजेक्टिव लगा रहे हैं साथ में, मनोगतान, मन से जो उत्पन्न हुई इच्छाएं वो नहीं एंटरटेन करता, उन इच्छाओं को पूरा नहीं करता। ध्यान रखना, जैसे किसी की इच्छा होती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा फिर भक्ति करूँगा, ये मन से उत्पन्न है। और एक तरफ गुरु ने कहा है कि तू बड़ा आदमी बनेगा, ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा था कि तुम यज्ञ करो, राजसूय यज्ञ, सम्राट बनो, चक्रवर्ती सम्राट, और उनकी भी इच्छा थी युधिष्ठिर महाराज की करूँगा, भगवान ने अनुमति भी दे दी, तो फिर वो उनके मन से उत्पन्न इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो उससे क्या करना चाहते थे, भगवान का गुणगान करना चाहते थे, अपना यश नहीं फैलाना चाहते थे, किसका यश फैलाना चाह रहे थे, तो ये मन से उत्पन्न नहीं, आत्मा से उत्पन्न है इच्छा, जिससे भगवान की कीर्ति का यश फैले, भगवान को आनंद मिले, वो यश जो है, वो जो इच्छा है वो आत्मा की इच्छा है। आत्मा भगवान को सर्व करना चाहती है,
मन शरीर को सर्व करना चाहता है। आत्मा कनेक्टेड किससे है? भगवान से। मन किससे कनेक्टेड है? शरीर से। जो चीज़ शरीर को प्रमोट कर रही है या जो इच्छा, वो समझ लो कि मनोगतान है। जो समाधि में या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो ऐसी इच्छाओं को डील नहीं करता। जैसे ब्राह्मण पत्नियां जो थी, सॉरी ये जो ब्राह्मण पत्नियों का इंसिडेंट आता है, उसमें भगवान के जो सखा थे वो भगवान से कह रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि कृष्णा में भूख लगी। आप कहोगे उन्होंने इच्छा कर ली कि कुछ खाने को बताओ कैसे करें, बहुत भूख लग रही है। अब यमुना के तट पे खड़े हैं जंगल में, कह रहे हैं भूख लगी है, बताओ क्या करना। आपको कह रहे भगवान से तो एक्चुअली हमें मांगने नहीं जाना, भगवान को तो हमें देने जाना है, लेकिन वो तो इच्छा कर रहे हैं कि भगवान हमें भूख लगी है, वही भगवान के सखा। अब सखाओं से बढ़ के कोई भक्त हो सकता है क्या? नहीं तो भगवान ऐसे व्यक्ति को तो अपने साथ रखेंगे नहीं, स्वार्थी व्यक्ति को तो नहीं रखेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं भगवान भूख लगी है। जैसे एक साधारण लोग मांगने नहीं जाते मंदिर में कि भगवान हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ की कमी है, ये दे दो वो दे दो। वो तो चलो स्थित प्रज्ञ है ही नहीं, भक्ति नहीं है, वो तो चलो सुकृतियाँ हैं, ठीक है भगवान से मांग रहे हैं। भगवान कह भी रहे हैं गीता में चार प्रकार के लोग आते हैं, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम, सॉरी क्या है वो श्लोक, हाँ हाँ चतुर्विधा भजन्ते माम, ये जना पर उपासित है। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि आर्थ अर्थार्थी दुखी ज्ञानी, ये ज्ञानी योगी ये आते हैं मेरे पास, लेकिन वो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी उनकी अपनी इच्छाएं हैं। इसमें एक व्यक्ति ही भगवान को प्रिय है, योगी। अब यहाँ भगवान के जो सखा हैं वो भगवान से मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं पता है? क्यों मांग रहे हैं? हाँ, क्योंकि उनको पता है कि भगवान को भूख लगी है। और हम कहेंगे भगवान को कि कृष्णा आपके लिए कुछ ले आए, कहेंगे नहीं नहीं मेरे लिए तकलीफ मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, यही कहेंगे। तो ऐसे जैसे कोई घर में आए गेस्ट, कहें चलो आपके लिए कुछ बना ला, नहीं नहीं कुछ नहीं बनाना बस बैठो बात कर, नहीं नहीं मैंने तो अपने लिए बनाने जाना ही था, चलो आपके लिए बना लेते इकट्ठे पी लेंगे, होता है ना ऐसे कि मैं अपने लिए पानी वो शरबत या जो भी बटे पर जो भी सर्व है तो मैं अपने लिए बना रहे आपके लिए बना लेते, कुछ ऐसा वो नहीं है, अपने पे ले ली बात। लेकिन खुशी किसकी चाहते हैं हम लोग? सामने वाले की। बाहर से दिखाई दे रहा है ये होता है प्रेम। ऐसी भगवान के जो सखा है वो भगवान को सर्व करना चाहते हैं, मांग कर भी। खुद बाहर से दिखा रहे हैं कि हमें भूख लगी, लेकिन चाहते किसको सर्व करना है? तो ये जो ऐसी इच्छाओं को आप एंटरटेन कर सकते हो, इच्छाओं को देख सकते हो, क्योंकि आत्मा किसको सर्व कर रही है? भगवान। तो ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, और प्रजाहाति यदा कामान, लेकिन जो उसके क्या कहते हैं उसे भौतिक संसार में जो इच्छाएं हैं उनको सर्व नहीं करता। जैसे ये अवंती ब्राह्मण था, सुना आपने अवंती ब्राह्मण? किस किस ने सुना है? एक देश था अवंती, वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था। ये भागवतम के 11th कैंटो में कथा आती है। बहुत ही अमीर आदमी था लेकिन बहुत ही कंजूस था। अब कंजूस व्यक्ति का क्या होता है कि ना तो वो जीतता है ना खुद जीतता, ना तो वो खुद जीता है ना दूसरे को जीने देता है, खुद भी नरक भोगता है दूसरे को भी नरक भुगतवाता है, ना इस जन्म में सुख मिलता है उसको ना अगले जन्म में सुख मिलता है, होता है ना ऐसे कंजूस व्यक्ति, मतलब कहता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो ये अवंती ब्राह्मण ऐसा था, कोई गेस्ट आता था उसको वो मीठे शब्द भी नहीं कहता था कि नहीं फिर अगर मीठा बोलूँगा तो फिर कुछ खिलाना भी पड़ेगा, कड़वे शब्द बोल के भगा देता था उसको कि बैठेगा तो पानी पिएगा, पानी पिएगा तो कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा, भगा। उसके बच्चे परेशान, बेटियाँ परेशान, दामाद परेशान, पत्नी परेशान, मतलब हालत ख़राब उसकी। और अपने पे भी पैसे नहीं खर्चता था, फटे हुए कपड़े पहनता था, मैले कुछ धुलवाता भी नहीं था कपड़े, भी धुलवाएंगे तो वो फट जाएंगे और ज़्यादा, और साबुन भी लगेगा, पानी भी लगेगा, नौकर
फिर नौकर रखना पड़ा, रहने दो ऐसे ही ठीक है। अब ये जो कंजूस आदमी है अवंती, अवंती ब्राह्मण, लेकिन पहले उसने अच्छी भक्ति की थी ब्राह्मण, लेकिन चलो एनीवे स्वभाव था उसका, हो गया, सब इससे परेशान। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अब ना इसके जो पुण्य थे जिससे इसको पैसा मिला हुआ था खत्म हो गई। अगर आप दान नहीं करोगे ना, जो दान करता है उसके बाद पैसा रिटर्न आता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी फ्लाइट में आ रहा था तो मेरे आगे एक सीट पे ना, दो सीट, तीन सीट्स थी जैसे, एक लेफ्ट साइड पे, वहाँ पर एक फैमिली बैठना चाह रही थी इकट्ठे, लेकिन वहाँ उनकी दो सीटें थी, एक सीट पीछे थी। तो उन्होंने जो तीसरी सीट वाला व्यक्ति था उसको बोला कि आप ये सीट हमें दे दो, आप पीछे ले लो। उसने कहा आपकी पीछे कौन सी सीट है? तो उसमें तीन सीटें होती ना, एक होती है एक विंडो वाली, एक कॉर्नर वाली, एक बीच वाली। कहते बीच वाली है। कहते देखो मेरी टांगे लंबी, मैं नहीं जा रहा, जिसको कर मतलब मैं तो अपनी सीट पे बैठूंगा, मैं तो यहीं बैठूंगा, मेरी सीट है। उसने हेल्प नहीं की, दान नहीं दी अपनी सीट। एक और व्यक्ति बैठा था, उसने कहा कि तुम कॉर्नर वाली सीट, उसने कहा तुम मेरी सीट ले ले, इनकी सीट मैं ले लेता हूँ, इनको ये तीनों सीटें मिल जाएंगी। समहाउ एडजस्टमेंट हो गई। अब जो व्यक्ति जिसने दान किया, अपनी कॉर्नर वाली सीट दी, कैन यू इमेजिन, जब उसने बीच वाली सीट ली, पूरा सफ़र साथ में विंडो सीट में कोई आया ही नहीं, उसको एक की जगह दो सीटें मिल गई। दान करने से आता है पैसा, अब उसने तो किया नहीं, खर्चा भी नहीं, पुण्य चले गए उसके। कुछ रिश्तेदारों ने लूट लिए, कुछ सरकार ने लूट लिए, मतलब उसको टैक्स वैक्स लगा दिया, कुछ नौकर जाकर लूट के ले गए, कुछ चोर ले गए, सड़क पर आ गया और रोने लगा जोर जोर से। और उस समय फिर उसने कहा कि ये एक्चुअली इन लोगों ने नहीं किया मेरे साथ, मेरे अपने ही कर्म है, ये भगवान की मेरे पे कृपा हो गई है। उसको समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, ये जो पैसा है उसमें, वो बता रहा है कि जो पैसा है उसमें 15 अवगुण है और मुझे भगवान ने इन चीज़ों से बचा लिया। जिसके पास पैसा होता है उसके पास ये 15 अवगुण आ जाते हैं, ये अवंती ब्राह्मण कह रहे हैं। बहुत फेमस सॉन्ग है, उसकी प्रेयर्स हैं। वो कह रहा है कि जो पैसा कमाना चाहता है, जिसकी पैसे की इच्छा है, सबसे पहले वो चोरी करता है, या उसकी चोरी करने की इच्छा होती है, टैक्स चोरी करेगा। यू नो, अभी मैं मायापुर में था तो वहाँ पर हम लोग उनसे बात कर रहे थे ऑफिस में, तो मुझे कह रहे थे कि हमने उनको पूछा कि आप लोग कैसे मेंटेन करते हो अकाउंट्स विकाउंट्स, थोड़ा कुछ लीगल डिपार्टमेंट, हम लोग ऐसे कहते, कुछ एक नॉन था, तो वो कह रहे थे कि हम लोग हर चीज़ जो है ना परफेक्टली लीगलाइज करते हैं, जितनी भी हमारे पास इनकम होती है उसका अगर टैक्स पे करना होता करते हैं, एक रुपया भी इधर से उधर नहीं करते। कहते हम लोग मैनिपुलेट नहीं करते, फंड्स को मैनिपुलेट भी तो करना होता ना ट्रस्ट के थ्रू। भाई लोग जैसे, भाई जैसे लोग भी अपना टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, वाइफ के नाम पे कर दिया, कुछ रिश्तेदारों को दे दिया, यू नो। कहते अगर हम भी ऐसा करते तो क्या हमें राधा माधव, वहाँ जो डीटीज का नाम है माया गुरु, उनका नाम है राधा माधव, तो हमें राधा माधव पे भरोसा नहीं है कि वो हमारी रक्षा करेंगे? फिर हमें पूरा भरोसा है, हम हर चीज़ वाइट करते हैं, हमें राधा माधव पे पूरा भरोसा है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हम इसलिए चोरी नहीं करते, कोई टैक्स की चोरी नहीं करते, परफेक्ट। तो ये जो पैसा कमाने की वृत्ति है, एक्चुअली वहाँ पर जो महाराज हैं जयप्रताप स्वामी महाराज, उन्होंने अपने डिवोटीज को ट्रेन किया हुआ है, एंड वी वर वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट थिंग, कि पैसों पर फोकस मत करो, पैसा कमाने की चेष्टा मत करो, फोकस करो वैष्णव को सर्व करने की। इसलिए वहाँ पर प्रसादम सबसे सस्ता है। अगर आप वहाँ 40 रुपए की प्लेट प्रसादम की प्लेट लोगे जो डिवोटीज बनाते हैं, उसमें आपको 6-7 चीज़ें मिल जाएंगी फ्री में, मिल सकता है आपको बाहर 40 रुपए में, पूरे इंडिया में कोई नहीं देगा। दे आर फोकस्ड ऑन सर्विंग द वैष्णवास, और लक्ष्मी भी आ रही है, राधा माधव है। सो ऐसा नहीं कि क्वालिटी वाइज कंप्रोमाइज है, वन ऑफ द बेस्ट फूड अवेलेबल। लेकिन जो अगर पैसे कमाने की इच्छा होती है तो फिर चोरी की इच्छा भी आ जाती। सेकेंड है वायलेंस। जिसके मन में पैसा कमाने की इच्छा है वो हिंसक भी हो सकता है,
देखा ना, भाई भाई लड़ पड़ते हैं, वो 10 रुपए के पीछे लड़ाई हो जाती है। पीछे एक बता रहे थे हरियाणा की साइड में, यहाँ पर रात को कुछ मजदूर निकलते थे जैसे, तो एक गैंग था वहाँ पर कुछ, एक दो तीन लोगों का। वो क्या करते, जो सबसे लास्ट में मजदूर रह जाता था ना, साइकिल पे जा रहा होता था, उसके सिर पे जोर से वो लोहे की रॉड मारते थे, मर्डर कर देते थे उसका, कोल्ड मर्डर। और उसकी जेब में जो 500-700 रुपये और राशन, वो लूट लेते थे, क्योंकि उनको लगता था ये सबसे इजी टारगेट। सिर्फ 500-700 के पीछे वो मर्डर कर रहे हैं, पैसे कमाने की इच्छा है ना, वायलेंस। और ये कई लेवल पे हो सकती है, मेंटल लेवल पे भी हो सकती है। स्पीकिंग लाइज, ये तीसरा जो अवंती ब्राह्मण बता रहे हैं कि पैसा कमाने की जो इच्छा जिसके अंदर होगी वो उसमें ये दुर्गुण आ जाएगा, झूठ बोलने की वृत्ति आ जाएगी। पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है ना, और रिश्तेदारों को भी झूठ बोलेंगे, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, तो मांग लेंगे। डुप्लीसिटी मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ, ये सारा पैसों से आ रहा है, ये अवंती ब्राह्मण की रियलाइजेशन है। काम वासना, इच्छाएं बढ़ जाएंगी, कहते हैं ना वो फुल पर्स मेक्स द माउथ टू स्पीक, जिसकी जेब में पैसा होता है ना उछलता बहुत है। वो एक उसमें था एक स्टोरी, यू नो नीति शास्त्र में, एक ब्राह्मण था, तो मंदिर में पूजा अर्चना करता था और अपना जैसे कैसे गुजारा करता था। क्या हुआ कि उसका जो मंदिर में जो प्रसाद मिलता था वो चूहे खा जाता, एक चूहा था वो खा जाता था। तो पहले क्या होता ना, ऊपर टांग के रखते थे ऐसे, क्या बोलते उसको, छिक्का बोलते, क्या बोलते हैं, तो उस पर वो टांग के रखता था, लेकिन वो चूहा इतने ऊंचे छलांग लगाता था कि वहाँ से भी उस खाने को ले जाता था। अब वो क्या करता था, सारी रात ना बांस को उसके उस बांस के ना ऊपर से उसने 4 हिस्से कर दिए थे ऐसे, तो ऐसे बांस बजाता रहता था पूरी रात, कि चूहा लगे कि मैं चूहे को लगे कि मैं जाग रहा हूँ तो डर के भाग जाए, तो ऐसे अपना खाना बजाता था, वो बचा लेता था खाना जैसे कैसे भी। लेकिन अब नींद पूरी नहीं हो रही, दिन में पूजा कर रहा है, रात को सो नहीं रहा, तो कमज़ोर होता जा रहा है। उसका दोस्त उसे मिलने आया, तो बातें कर रहे हैं दोनों रात को, उसने ऊपर खाना रखा हुआ है और बांस बजा रहा है भी चूहा ना आ जाए। तो दोस्त को सोच रहा था सुबह मैं क्या खिलाऊंगा अगर चूहा खा गया, अरे मैं तेरे से यार बातें कर रहा हूँ, तू क्या बांस बजाया जा रहा है, और तू इतना पतला क्यों हो गया है। तो उसने बताई अपनी प्रॉब्लम कि असल में एक चूहा है इतनी ऊंची छलांग लगा कर खाना चुरा लेता है, मैं क्या करूँ। कहते इतनी सी बात है, कहते ये चूहा है इतनी ऊंची छलांग लगा, इसके पास ज़रूर कुछ पैसा होगा। कहते हम लोग इसके ना पैरों के निशान पर जाते हैं, वहाँ ढूंढते हैं। तो ये उस चूहे के पैरों के निशान ढूंढते ढूंढते जंगल में चले गए, उस चीज़ को खोदा, वहाँ से इतनी बड़ी सोने की ईंट निकली, सोने की गर्मी थी ना उसमें, छलांगे मार रहा था ऊंची। ये हितोपदेश में ऐसा आता है, तो गोल्ड उन्होंने निकाल लिया उसका। अब चूहा जो उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं उसके पास, अब वो छलांग ही नहीं लगा पा रहा, ठीक है। तो जब उछलता जा रहा है, इसका नाम पैसे की गर्मी है उसमें। तो उसने कहा देखो अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एनीवे, लस्ट यानी कि काम वासना, देन क्रोध। क्रोध भी उस व्यक्ति को क्रोध भी आता है जिसके पास पैसा होता है, उसको पता है कि वो पावर है उसके पास, कुछ भी कर सकता है, और फिर उस क्रोध में वो बड़े बड़े कांड भी कर देता है। यू नो देखा है ना आपने, लोग गुस्से में मतलब गोली चला देते हैं, पैसा है मर्डर कर देते हैं। परप्लेक्सिटीज़ मतलब परप्लेक्सिटीज़ होता है परेशान होना, परेशान रहता है, चिंतित रहता है, वो टेंशन रहती है उसको। प्राइड, घमंड, घमंड भी आ जाता है, और झगड़ालू नेचर बन जाती है उसकी, झगड़ालू व्यक्ति बनता है, बात बात पे झगड़ा कर लेता है। एनिमिटी, शत्रुता भाव, शत्रु मित्रता भाव नहीं रहता, शत्रुता रहते हैं। फेथलेसनेस, किसी पे विश्वास नहीं कर पाता, उसको लगता है उसका पैसा छीन लेंगे इसलिए मेरे से क्लोज आ रहे हैं। इसलिए व्यक्ति जितना अमीर होता जाता है ना, जितना ऊपर, उतना अकेले होता जाता है, अकेलापन खा जाता है उसको। एनवी, द्वेष आ जाता है उसमें, और उसे औरतों का खतरा भी उस पर मंडराता रहता है हमेशा, कि कोई प्लॉटिंग कर लेगा उसके साथ। एंड गैम्बलिंग,
यानी कि वो जुए में पड़ जाता है, नशे में पड़ जाता है। 15 लक्षण जो है अवंती ब्राह्मण कह रहे हैं कि पैसा, जिसमें पैसा कमाने की इच्छा है उसमें ये 15 जो अवगुण हैं वो आ जाएंगे। अगर अच्छा हुआ पैसा ही नहीं रहा, अब इच्छा भी नहीं रही, क्यों क्यों कमाऊँगा, बूढ़ा हो गया हूँ, पैसे कमा के देख लिया कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये जो अवंती ब्राह्मण है इसने भगवान का ध्यान किया। भगवान, इसने कहा मैं चुप रहूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, कोई रिएक्ट नहीं करूँगा। अब रो लिया जो रोना था, पैसों के लिए मैंने जितने झगड़े किए, जितना कुछ किया, मैं कुछ नहीं करने वाला, अब कोई कुछ भी कर ले मैं भगवान से अपना ध्यान नहीं हटाऊँगा। अब ये इसने क्या किया, हिरण की छाल पहन ली, डंडा पकड़ लिया। अब ये जब गांव में मांगने जाता है, शहरों में मांगने जा रहा है, तो लोग कुछ आदर भी देते हैं और कुछ लोग पत्थर मारते थे, कुछ इसका सामान छीन लेते थे, फिर कहते थे ये ले ये ले, तो जब वो लेने जाता था दूसरे के पास फेंक देते थे। ये आज की बात नहीं हो रही, ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं उस समय से भी पहले की बात हो रही है। पहले भी ऐसे होता था, साधुओं को तंग करते थे, कोई इसको लात मार रहा है, कोई उस पर थूक रहा है। अब वो नदी किनारे बैठ के खाने लगा तो उसके पात्र में मल मूत्र कर देते थे लोग, तो उसके सिर पे थूक फेंक देते थे। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसे जानवरों की तरह चेन से बांध देते थे, कई बार कहते थे कि ये चोर है, इसको रस्सी से बांध देते थे, उसको मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसने कहा नहीं, क्यों ऐसा वो कर पा रहा है, उसे कुछ संसार से लेना देना नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं है कि लोग उसको जाने कि मैं भैया भक्त हूँ, आम आदमी नहीं हूँ, तुम क्या सोचते हो आम आदमी हूँ, अभी बताता हूँ तो मैं भस्म कर दूँगा। मैं कोई इच्छा नहीं कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं, 16 माला करते हैं, कोई इच्छा नहीं है उसकी बताने की। शांत क्यों, उसका उत्तर भगवान नेक्स्ट लाइन में दे रहे हैं, आत्मनेव आत्मनहा तुष्टा। ये उसका जनरल स्वभाव है, बाहर से वो कुछ भी, कोई इच्छा नहीं उसकी मान सम्मान की और ना ही अपमान की, रिएक्शन कोई नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है, आत्मनेव आत्मनहा तुष्टा, अपने आप में संतुष्ट है, भगवान कृष्ण की सेवा में संतुष्ट है। भगवान की सेवा मिल गई, दीनहीन सेवा मिल गई, उसमें ही संतुष्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं तो बड़ा भक्त हूँ, मुझे तो ये सेवा मिलनी चाहिए, यहाँ बैठ के कथा करूँगा, पूजा करूँगा बस, ये झाड़ू वाड़ू अपना काम नहीं है, तो और भक्त करेंगे, मैं सीनियर डिवोटी हूँ। ये उसकी कोई इच्छा नहीं, वगैरह कि जो भगवान मुझसे कराना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, मैं करने को तैयार हूँ, उसी में संतुष्ट है। आप ये देखो कि श्रीमती राधा रानी जो हैं वो भगवान कृष्ण के लिए क्या कर रही हैं, फूल बना रही हैं, लेक्चर थोड़ी दे रही हैं वो पब्लिक में जाके। और जो गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं, वो फूल ला के दे रही हैं। किसी गोपी के हाथ में पंखा है, किसी के चावर है, अच्छा छोटी मोटी सेवा कर रही हैं भगवान की, उसी में संतुष्ट है। उनको नेम फेम थोड़ी चाहिए कि लोग जाने के बहुत बड़े भक्त हैं। भक्त अपने आप भगवान की सेवा में संतुष्ट है, जो भगवान ने उसे सेवा दी है, जैसी भी सेवा दी है, जस्ट हैप्पी। तो आप लोगों को जैसे सेवा दी है भगवान ने, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको पूरे मन से करो। ये भगवान ने आपको सेवा दी, अपॉर्चुनिटी दी है, सबको नहीं मिलती। आप लोग इस गलत फहमी में मत रहना, अच्छे से नहीं करोगे तो भगवान ले लेंगे ये सेवा। कब आपका माइंड चेंज हो जाएगा, कब आप माला को छूते आपको बिच्छू काटेंगे पता नहीं लगेगा। जैसे आपको कोई सेवा दें हम लोग और आपने वो नहीं की, आपको हम दूसरा चांस दे देते हैं, आपने फिर भी नहीं की, आप क्या आशा करते हो कि तीसरी बार मैं आपको दूंगा। अब आपने, आपको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दे दी भगवान का नाम लेने की, आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, व्हाट डू यू थिंक, कितना टाइम भगवान देखेंगे। ट्राई कर लो अच्छे से, कब छीन लें कब। अब देखो कई बच्चे जो हैं यहाँ इंडिया में रह के भक्ति कर रहे थे, फॉरेन चले गए, विदेश चले गए, ख़त्म हो गई अपॉर्चुनिटी। कुछ साल तो वो करते हैं कुछ टाइम, लेकिन वहाँ क्योंकि संघ नहीं है, माहौल नहीं है,
वैसा आध्यात्मिक जो है इर्द गिर्द उनको कुछ सुनने को नहीं मिलता कि ये धाम है, कोई धाम यात्रा से आ रहा है, कोई जप कर रहा है, तो वह वो भी वैसे बन जाते हैं कि यार ये रिचुअल्स की तरह क्या करना है, ठीक है रख दो, ये हालत हो जाती है। तो आत्मा, तो जो सेवा आपको मिली है ना, जप हो गया, कोई भी व्हाटएवर, उसमें संतुष्ट होना, उसमें प्रसन्न होना, भगवान को थैंक्स करना, ये स्वभाव होता है। वो शुक्र मनाता है, वो भगवान को थैंक्स करता है, भगवान आपने मुझे सेवा दे दी, मुझ जैसे घटिया आदमी को, अंदर अपने आप में वो संतुष्ट रहता है इसी चीज़ में बस, और बाहर की जो इच्छाएं उनको एंटरटेन नहीं करता, ये उसका स्वभाव है, जनरल स्वभाव। अब आगे के श्लोक में फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि ये व्यक्ति रिस्पॉन्ड कैसे करता है, इसके उत्तर क्या हैं वो अगले श्लोकों में फिर करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? टाइम हो गया है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न हो किसी का तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी कथा नहीं, यहीं विराम देंगे। हिंसक हो जाए, मानसिक रूप से भी हिंसक होते हैं ना, कोई अंदर ही अंदर गालियाँ चलती रहती हैं, होता है ना, पैसे की गर्मी। और जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है ना, वो पैसा देखकर किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता या उसको महत्व नहीं देता, वो महत्व उनको देता है जो भगवान के भक्त हैं, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। लोग आज भी सुदामा के गुणगान गाते हैं, वो कोई अमीर थोड़ी था, गाते नहीं। तो जो भक्त है, जो स्थित प्रज्ञ है, अच्छा चलो एक चीज़ बताओ, एक बार किसी ने मंदिर में कहा था कि अगर यहाँ पर वो जो सुष्मिता सेन है, बॉलीवुड एक्ट्रेस या वट एवर, ऐश्वर्या राय, कि अगर वो हमारे मंदिर में बाहर आ जाए, सबका ध्यान कहाँ होगा? या अमिताभ बच्चन आ जाए, वट एवर जो भी हीरो है, अक्षय कुमार आ जाए, कहाँ ध्यान होगा? सब कहेंगे ना हम देख लें, एक बार फोटो खींच लें, सेल्फी ले लें। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होगा ना, वो देखा कि साथ में सन्यासी खड़ा है, उसको महत्व देगा, एक सीनियर ब्रह्मचारी खड़ा है, उसको महत्व देगा, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है जो भक्त खड़ा है, जो भक्ति कर रहा है। संसार में किसी कोई बहुत महान व्यक्ति हो सकता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के सामने वो धूली के समान है, मिट्टी के समान है। आया ठीक, भक्ति करना चाहता है, जब भक्ति करेगा तब देखेंगे, बाकी तो धूली के समान है। जैसे जिस व्यक्ति को मान लो पैसे के बारे में पता ही नहीं है, या उसके लिए उसको पैसा चाहिए नहीं, उसके सामने ईंट रख दो, सोना रख दो, क्या तो बराबर ही है, वेट ही पत्थर ही, तो क्या करना है, भार है मैं क्यों उठाऊं? जैसे वो था ना कुरेश, अपनी वाइफ के साथ घर बार छोड़ कर रामानुजाचार्य को ज्वाइन करना चाह रहा था, उसकी वाइफ ने गोल्ड प्लेट ली हुई थी साथ में, कि उनके हस्बैंड उसमें खाते थे, उसने जंगल में फेंक दो, बस ख़त्म हो गया, कोई मूल्य था नहीं, पत्ते में खाना इसमें खाना एक ही बात है, समझ गए? तो आप खुद पहचानना ये छोटे छोटे लक्षण हैं, या भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हो, किसको महत्व दे रहे हो। कोई व्यक्ति अगर आता है मतलब संसारी व्यक्ति, कोई सो कॉल्ड महान, सो कॉल्ड, तो उसको कितना महत्व आप दे रहे हो और कितना भक्त को दे रहे हो, इससे पता लगेगा कि आप भक्ति में कितना एडवांस कर रहे हो, ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न? वैसे तो बहुत कुछ है इसी श्लोक में, बट समय सीमा है तो।